धार जिले की कानवन पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें से कानवन पुलिस के हाथ अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 7 सदस्य लगे। इनके कब्जे से 35 लाख रुपए की कीमत के 6 चार पहिया वाहन भी बरामद किए गए हैं। गिरोह के सदस्य मध्य प्रदेश सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। मास्टरमाइंड वसीम पठान निवासी महाकाल थाना और जिला उज्जैन सहित इंदौर और बड़वानी के 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने पत्रकार वार्ता में खुलासा करते हुए बताया है कि आरोपियों ने कानवन थाना अंतर्गत ग्राम कोद से 15 जुलाई की रात में एक पिकअप वाहन को चुराया था। शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच की तो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के लिए अहम सुराग बने। आरोपी ऑर्टिगा कार से आए थे और इन्होंने पिकअप को चुराया था। सीसीटीवी फुटेज में देखने के बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी। जो कानवन थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को पकड़ा है, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी एसडीओपी बदनावर और थाना कानवन की टीम ने इस इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी दिन से फॉलोअप करते हुए आज 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे करीब 6 वाहन रिकवर किए गए हैं। इन 6 वाहन में तूफान गाड़ी, पिकअप, थार, जीप, इस तरह के वाहन इसमें मिले हैं और करीब 35 लाख का मशरूका इनसे रिकवर किया गया है। इसमें मेन जो 2 आरोपी हैं, वसीम और फारूक पे इंदौर में और भी अपराध हैं, और विकास नाम का लड़का जिसकी अर्टिगा गाड़ी ये लोग इस्तेमाल करते थे, और इस पूरे वाहन चोर गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें ये 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर सूचना के आधार पर इन लोगों को ट्रेस किया गया। ये लोग इन गाड़ियों को बेच के जो पैसा मिलता था उससे अपने शौक पूरे करते थे, और मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात, अन्य राज्यों में भी जो है इन लोगों की पकड़ थी। पुलिस अभी और मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसमें संभावना है कि अन्य राज्यों में और अन्य गाड़ियां भी इनसे रिकवर। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।